आलिया भट्ट नहीं बल्कि ये है रणवीर कपूर की पहली पत्नी। एक्टर के मंगले के बाहर हुई थी शादी। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं न्यूज टुडे 24। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। रणबीर कपूर ने इतने सालों बाद खुलासा किया है कि आलिया से पहले भी उनकी पत्नी कोई बन चुकी है। एक्टर के बंगले के गेट पर ही पंडित के सामने ये शादी हुई थी। अब फिल्मों के प्रमोशन के चलते रणबीर उससे मिल नहीं पाए हैं। रणबीर कपूर ने इतने सालों बाद खुलासा किया कि आलिया से पहले भी उनकी पत्नी कोई बन चुकी है। एक्टर के बंगले के गेट पर ही पंडित के सामने ये शादी हुई थी। अब फिल्मों के प्रमोशन के चलते रणवीर उससे मिल नहीं पाए। रणवीर कपूर के लिए ये साल काफी खास रहने वाला है। एक तो वो और आलिया शादी के बंधन में बंध गए, दूसरी तरफ चार साल बाद एक्टर की दो फिल्में रिलीज के लिए तैयार बैठी है। फैंस अपने फेवरेट स्टार को देखने के लिए काफी एक्साइटेड है। रणवीर इन दिनों शमशेरा और ब्रह्म शास्त्र के प्रमोशन में बिजी है। इस दौरान उन्होंने कुछ ऐसा कहा जिसे फैंस सुन के होश उड़ गए। उन्होंने बताया कि वो आजकल इतने व्यस्त है कि अपनी पत्नी से नहीं मिल पाए। रणवीर को मैशेबल के साथ बातचीत के दौरान उनके सबसे अजीब फैन एक्सपीरियंस पर चर्चा करने के लिए कहा गया था। इसके जवाब में रणवीर ने एक घटना के बारे में सुनाया जिसमें उन्होंने कहा कि उनकी एक फीमेल फैन ने उनके बंगले के गेट से शादी कर ली थी। उन्होंने कहा, एक लड़की थी और मैं उससे कभी नहीं मिला, लेकिन मेरे गार्ड्स ने मुझे बताया कि वो एक पंडित के साथ आई थी और उसने मेरे गेट से शादी कर ली। गेट पर कुछ टीका था और कुछ फूल भी, तो यह काफी क्रेजी था। उन्होंने आगे कहा, मैं अभी तक अपनी पहली पत्नी से ही नहीं मिला हूँ, इसलिए मैं किसी समय आपसे मिलने के लिए एक्साइटेड हूँ। बता दें कि रणवीर कपूर की आने वाली फिल्म शमशेरा 22 जुलाई को सिनेमा घरों में रिलीज होगी। फिल्म में जहां वो संजय दत्त और वाणी कपूर के साथ नजर आएंगे, वहीं आप पहली बार रणवीर कपूर को डबल रोल में भी देखेंगे। उनकी आने वाली दूसरी फिल्म 9 सितंबर को रिलीज होगी जिसमें वो मौनी राय, अमिताभ बच्चन, नागार्जुन और आलिया भट्ट के साथ दिखाई देंगे। इन फिल्मों के अलावा उनके पास श्रद्धा कपूर के साथ लव रंजन का अनटाइटल प्रोजेक्ट और रश्मिका मंदाना के साथ संदीप रेड्डी वांगा की एनिमल भी है। खबरों में अब तक लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ, तब तक लिए नमस्कार और देखते रहिए न्यूज़ टुडे 24।